तो हेलो दोस्तों, हाय, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त प्रवीण आज की एक नई राइड पे आपकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो जैसा कि एक नाइट तो भाई जॉब वाले को लगता है थर्ड इज द फंडे, हम लोग ये ब्लॉग की शुरुआत एट प्रेजेंट मैं हूँ नागपुर उमरेड रोड पे। लोकेशन का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना दोस्तों, दैट इज रियली ऑसम। आप देख सकते हैं एक कंप्लीट ग्रीनरी लैंडस्केप, लश ग्रीन, और एट द सेम टाइम हाईवे के बीच में। तो दोस्तों बात ऐसी है, ये व्लॉग यहाँ से शुरू करना, जो शुरुआत हमने व्लॉग की यहाँ से किया है, इसका रीजन ऐसा था, जब हम लोग राइड कर रहे हैं तो एक ऐसा क्विक बूस्ट होना चाहिए अंदर से, सॉरी, जो एक हैप्पी हार्मोन होता है ना शरीर में, हर एक राइडर की मन की फीलिंग होती है जिसको ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, कि भाई रोड पर हो, गाड़ियों की आवाज आए, और जब ऐसी कान में वो आवाज आती है ना, आप राइड करिए रास्ते पर ना, तो जब ऐसी ट्रकों की आपके कान में आवाज गूंजेंगी तो एकदम एक हैप्पी हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होगा, और बहुत टू मच ऑफ एक्साइटमेंट कि भाई आज रात में कहाँ दौड़ जाओ। तो उसी के साथ दोस्तों स्वागत करते हैं आज के ब्लॉग का। सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहूंगा, मैंने सिटी ट्रैफिक इसलिए एस्केप कर दिया क्योंकि दोस्तों रोज तो यार आप सिटी में घूमते हो, तो आज मेरे साथ चलिए चिमूर, हम जा रहे हैं चिमूर वाटरफॉल, अक्काम मुक्ताई वाटरफॉल, नागपुर से जस्ट मात्र 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मॉनसून खत्म होने का पीरियड है, हार्डली 10 दिन और, तो क्यों ना वाटरफॉल का मजा लिया जाए बारिश के पानी से। शावर में तो रोज ही नहाते हो, तो आज हमारे साथ चलिए वाटरफॉल में नहाने के लिए। इसी के साथ तो एक बढ़िया से मील्स ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट पे रुके थे नाश्ता करने के लिए, अब बाहर आए तो बाहर ही खाएंगे। ओ, तीनों ने हमने ऑर्डर किया है, क्या है, मूंग क्या, सांभर वड़ा, टेस्ट ऑसम है। अभी एक एक प्लेट हुआ है और इसके बाद में इडली प्लान कर रहे हैं। आप व्लॉग कंटिन्यू कीजिए और तब तक हम लोग नाश्ता खत्म करते। तो दोस्तों मैं आज के राइड की डिटेल बता देता हूँ। ये राइड ग्रुप राइड होने वाली है, हर बार की तरह सोलो नहीं, और आज की राइड में हमारा साथ देने वाले हैं एक हमारा दोस्त रोहित और दूसरा ऋतिक, दिस बोथ आर बेस्ट फ्रेंड। और ये दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई है जिम में, कहते हैं ना जिम की दोस्ती और दारू पीने वाले की दोस्ती बड़ी गहरी होती है। तो अब तो हम बहुत गहरे दोस्त हैं। और आज के राइड का लाइनअप ऐसा है, बाइक्स है, एक बाइक है हमारी TVS की रेडर, मैं थोड़ा सा इसका राइड लिया हूँ, बहुत अच्छी गाड़ी है, और दूसरी हमारी ऑल टाइम फेवरेट मैक्सिमस होंडा की हॉर्नेट 160R, एंड मैक्सिमस ने अभी 5 साल कंप्लीट किया है, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने मैक्सिमस को ये फ्लैग गिफ्ट किया था। दोनों गाड़ियाँ आर रेडी टू रोल और हम लोग निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन क्या है। ओके दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे चिमूर, और किसी ने बहुत खूब कहा, मैं फिर से कहूँगा, मंजिल से ज़्यादा सफ़र मज़ेदार होता है, और बहुत मज़ेदार सफ़र था। हम लोग बीच रास्ते में रुके, बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली इंस्टाग्राम के लिए, और अगर आप वो फ़ोटोज़ देखना चाहते हो, मैं चाहूँगा आप वो फ़ोटोज़ देखो, मुझे फॉलो करो Travel IS मैजिक पे। मैं ये चिमूर है मुक्ताई वाटरफॉल लश ग्रीन, और मज़े की बात तो कुछ सफ़र ऐसा रहा, हमने चालू किया था एक बहुत बड़े हाईवे से, फिर बहुत ही बढ़िया रोड आया, लश ग्रीनरीज लैंडस्केप क्रॉस करते हुए फाइनली वी आर एट चिमूर, और हमारी तो वो देखिए, वहाँ नीचे हमने पार्क करके रखी है हमारी मैक्सिमस और साथ में हमारी भाई की रेडर, काफ़ी दूर पार्किंग है। बस इसी पथरीले रास्ते से थोड़ा ट्रैक करते हुए चलते हैं वाटरफॉल की ओर, और आपको दिखाते हैं बड़ा अद्भुत खूबसूरत नज़ारा वाटरफॉल का। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारा दोस्त पहले ही बोटिंग शुरू कर चुका है। वाटर बियॉन्ड इमेजिनेशन, ये भी खूब कहा है। तो ऋतिक का कहना है गांव वाले लोगों का जवड़ मतलब पास, और हम लोगों का पास अलग है,
हमारे पास मतलब 5 मिनट और गांव वालों का पास मतलब 15-20 मिनट। हमारे भैया को एक्सकैलिबर शॉट मिली है जो उसके शरीर से जुड़ी है। बहुत क्लोज है हम। अब अगर आपको जांचना हो पानी ठंडा है या गर्म, भैया बताइए कैसा कर सकते हैं? पानी क्या कहता है, पानी गर्म है या ठंडा है? पानी ठंडा है, रेट थोड़ी सॉफ्ट है। पानी ठंडा है, रेट सॉफ्ट है। देखिए उसके शरीर से जुड़ी हुई है वो। तो दोस्तों ऐसे कुछ पथरीले रास्तों पे पहुंच के हम तीनों पहुंच चुके हैं चिमूर वाटरफॉल। और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। नीचे भी हमने लोगों से पूछा था पानी है क्या, तो लोगों का कहना था है, बट चिमूर वाटरफॉल की रियलिटी नहीं के बराबर पानी है दोस्तों। लिटरली अब अपसेट हूँ थोड़ा सा, बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी हुई है। इस पर हमारे ऋतिक बाबा जी क्या कहेंगे? बहुत दुख हो रहा है, षड्यंत्र रच रहा हूँ, पानी आ जाएगा। ये षड्यंत्र रच रहा है, पानी आ जाएगा करके। दर्द हो रहा है पर चीख नहीं सकते। ऋतिक का कहना है कि दर्द हो रहा है पर चीख नहीं सकते। अफसोस तो है दोस्तों यार, इतना हम सब चल के आए, फुल पूरी एक्साइटमेंट थी, जस्ट 5 सेकंड पहले एक्साइटमेंट डेड हुई है ऐसा देख के। बट कोई नहीं, अब आए हैं तो अच्छे अच्छे फोटोज निकालते हैं मेमोरीज के लिए, और अगली बार कोशिश करेंगे जब मॉनसून का हाई टाइम रहे तब आए। ठीक है, तब तक के लिए और भी देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं अगर कुछ अच्छा है आपके लिए शूट करने के लिए, तो ये वीडियो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। एक्सकैलिबर की जय। पूरी इज्जत निकाल दिया ताकान के साथ। इतनी मेहनत के बाद में हम लोग वाटरफॉल के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी थोड़ी हट टाइप पे कुछ कंस्ट्रक्शन बना के रखा हुआ है। खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। खाने की सिर्फ का पीने में मैं पानी और फ्रूटी की बात कर रहा था, इसका गलत अर्थ ना निकालिए जनाब। चलते हैं थोड़ा क्लिफ की ओर और वहां से देखते कैसा नजारा दिखता है। यार ऊपर आने के बाद में भी पानी जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही कम है। व्यू तो बड़ा फाड़ू आ रहा है, जोरदार व्यू है। अरे ये तो ऊंची है। तो यही है।